सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि के दिनों में 9 दिन में 9 देवी स्वरूप की पूजा करना हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होना माना जाता है। तो चलिए जानते हैं वो 9 देवी कौन सी हैं, उनकी क्या कथा है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। 9 दुर्गा में दुर्गा की उपासना विविध रूपों में की जाती है। प्रथम रूप है शैलपुत्री का। हिमालय के घर में इनका हुआ था जन्म। इनका वाहन वृषभ है, इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता के हाथ में दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। ये देवी प्रथम स्वरूप मानी जाती है। इनकी पूजा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं। और ये दूसरी देवी है ब्रह्मचारिणी। 9 दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है ऐसा माना जाता है। इनकी कृपा से जीवन में सुख का अनुभव होता है और अपने भक्तों पर माँ कृपा बरसाती हैं। माँ की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का भी जप करना चाहिए या केवल नाम ही ले लें, उनको प्रणाम ही कर लें। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण उत्तमा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। का रूप ज्योतिर्स्वरूप है, बहुत सुंदर है। दाएं हाथ में जपकी की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कई हजार वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। यहाँ तक कि पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा और ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप में हुई और फिर भगवान शिव से इनका विवाह हुआ। ब्रह्मचारिणी स्वरूप इनका जो स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है, ब्रह्मचारिणी की कृपा से सभी जीवन के दोष कुंडली के मंगल दोष भी समाप्त हो जाता है और निर्भय बन जाता है। माँ के तीसरे दिन में चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इनके 10 हाथ हैं, खड्ग तलवार ढाल गदा पास चक्र धनुष त्रिशूल भरे हुए तरकस मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। देवी की कृपा से अलौकिक वस्तु भी प्राप्त हो जाती है और जीवन में सभी कुछ प्राप्त होता है। विनम्रता सौम्यता का भी विकास होता है, निर्भयता प्राप्त होती है। इसलिए हमें शुद्ध होकर इन माँ की उपासना शरणागति लेकर के अवश्य ही करना चाहिए। इससे जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और डर भी समाप्त हो जाता है तथा जीव भक्त निर्भय बन जाता है। माँ की उपासना का मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केरयुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ चंद्र घंटा की पूजा अवश्य ही करना चाहिए, इससे उनकी कृपा जीवन में बनी रहती है। चौथी देवी का नाम है कूष्मांडा। कूष्मांडा अर्थात कुम्भड़ा। इन्हें कुम्भड़े की बलि प्रिय है, माँ को कुम्भड़ा इस दिन चढ़ाना चाहिए। इनका मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुत मेवचा ददाना हस्त पदाभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, ये अष्टभुजी देवी कहलाती हैं। इनके हाथ में कमंडल धनुष बाण कमल पुष्प अमृत का कलश चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि निधि देने वाली जबकि माला है। इन माँ की कृपा पौराणिक कथा के अनुसार इस प्रकार है। जब संसार में चारों ओर अंधकार था, कुछ भी नहीं था, तब माँ की कृपा से चारों ओर 10 दिशाओं में कांति फैली, प्रकाश हुआ और इन्हीं की कृपा से जीव में चेतना आई और सृष्टि का संचालन हुआ। इनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। चौथे दिन कूष्मांडा माता की उपासना करनी चाहिए, सभी प्रकार के दोष को ठीक करती हैं। जय माँ कूष्मांडा। पंचम है स्कंद माता। अपने जीवन में शक्ति प्राप्ति के लिए, सभी सुख पाने के लिए इन माँ की भी उपासना करनी चाहिए। ये सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं। इनका शुभ्र वर्ण है, संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा विशेष रूप से करें। ये अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, चेतना भरती हैं। इनकी कृपा से मूढ़ अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है। माँ की उपासना का मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी।
स्कंद कुमार इनकी गोद में है और पकड़े हुए हैं। दाएं हाथ तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद बैठे हैं, नीचे वाली भुजा में कमल का सुंदर पुष्प है और बाईं ओर वाली भुजा में वरद मुद्रा है, नीचे वाली भुजा में कमल का फूल। इनका वर्ण शुभ्र है, कमल के आसन पर है इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है और सिंह पर भी ये विराजमान होती हैं। माँ स्कंद माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता कात्यायनी छठी दिन इनकी पूजा की जाती है। चंद्रहासो जुल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। छठे दिन माँ की पूजा करने से चारों फल मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष रोग शोक भी नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। जिसका विवाह ना हो रहा हो छठे दिन माँ की पूजा जरूर करें। जिनका दाम्पत्य जीवन सुखमय ना हो वो भी पूजा करें। माँ को शहद का भोग लगाएं, लाल फूल चढ़ाएं, इससे माँ जीवन में खुशियाँ भरती हैं। इनकी चार भुजा है, दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में, माँ के बाई तरफ से ऊपर वाले हाथ में तलवार, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल। इनका वाहन सिंह है, बहुत सुंदर है, स्वर्ण के समान आभा वाली है। माँ कात्यायनी एक कात्यायन राम के ऋषि थे, उन्होंने भगवान श्री माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना की और कहा हमें पुत्री रूप में आप मेरे घर में आए। माँ ने कहा ऐसा ही होगा और कात्यायन ऋषि की पुत्री बनी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और ब्रजमंडल की गोपियों ने कात्यायनी माँ को कृष्ण को पति रूप में पाने की पूजा भी की थी, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को प्रेम भी प्रदान किया था। कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमा। और सातवीं देवी हैं कालरात्रि, ये काल को भी ग्रस लेती हैं। सातवें दिन महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका जैसा नाम वैसा रूप वैसा कार्य, ये खुले बालों में रहती हैं। इनको देख करके ही भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति भाग जाती हैं। माँ का वर्ण काला है, एक वेड़ी जपाकर्ण पूरा नग्न खरासिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरणी वाम पादो लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माता कालरात्रि के तीन नेत्र हैं, ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से आग निकलती है, ये गधे यानी गर्दभ की सवारी भी करती हैं और ऊपर उठा हुआ इनका दाहिना हाथ है। बरमुद्रा भक्तों को वर देती हैं, दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में हमेशा भक्तों का कल्याण करता है और अपनी शक्ति से उनके जीवन में सुख का संचार करता है। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है, इनका रूप भयानक है लेकिन भक्तों को अभय भर देता है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और हाथ में लोहे का कांटा, नीचे हाथ में खड्ग भी है। माँ कालरात्रि कथा के अनुसार दैत्य सुमन शुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया, इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करके भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव की बात सुनकर पार्वती ने दुर्गा रूप धारण किया, शुंभन शुंभ का वध किया। जैसे ही रक्त बीज को मारा उसके शरीर से निकले हुए रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा माँ ने अपने तेज से कालरात्रि माता को उत्पन्न किया। इसके बाद दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उनके शरीर से निकलने वाला रक्त कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध किया। इनका रूप भले ही भयानक हो लेकिन भक्तों का अपना कल्याण करता है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत पिशाच इनके नाम मात्र से ही भग जाते हैं। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करती हैं, कालरात्रि काल से भी रक्षा करती हैं, गृह बाधा को भी शांत करती हैं, अग्नि जंतु जल शत्रु रात्रि भय इत्यादि से रक्षा करती हैं, जिससे भक्त भाव भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के दिन माता की पूजा सातवें दिन में करनी चाहिए, इससे शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। महागौरी ये है माँ की आठवीं शक्ति, आठवें दिन की पूजा करना चाहिए। कुंद के समान तथा शंख चंद्र के समान इनका रूप है, वर्ण है, अमोघ फलदायिनी महागौरी है।
श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा सुचि महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोदया। ये इनके चार भुजाएं हैं, इनकी 8 साल की आयु है, वाहन वृषभ है, श्वेत रंग का वस्त्र धारण करती हैं, वृषारूढ़ा भी हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ वह मुद्रा में, नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया, ऊपर बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है, नीचे हाथ में बर मुद्रा है। महागौरी माता ने भी भक्तों का कल्याण किया है। जन्म पत्री में राहु दोष हो तो भी समाप्त हो जाती हैं। जीवन की कोई कामना हो तो 8वें दिन माँ की उपासना करने से जरूर ही वो कामना पूरी अवश्य हो जाती है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने से जीवन में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि आती हैं और माँ की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। और इनका मंत्र जो दुर्गा सप्तशती में इस प्रकार है, प्रथमम शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी तृतीया सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। जय माँ अम्बे।